لا الله الله دي دعاء دي دعاء استر معاك استر معاك وبجوارك يا رب بغض دعاء دي لو أحلى حاجة فيك أنا برضو أحلى حاجة وأنا حاجة واقفة معايا يعني ألاقي غير في ما شاء الله رب استر معاك هو كده لما أجي عريول بس أنت تتعبس क्या हो रही है तो मुझे देख के मुझसे ज्यादा रो रही है यार अल्लाह के घर में मौजूद है वहाँ से जा रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह प्यारे प्यारे लोग मिले माशाल्लाह जुम्मे का वक्त है इतने प्यारे प्यारे شلها ذكرى بقى ثانك يو شيخ جزاك الله شلها ذكرى بقى دي شلها ذكرى من الحاجة أم ياسر من الحاجة شادية آمين نو شادية أنا شادية أوكي أنا شادية دعاء أنا الحاجة دعاء؟ دعاء؟ طيب يا أختي عسل يا أختي عسل شليها ذكرى دي بقى هاي من بتاع مصر دي أنا مصرية أوكي مصرية؟ أيوة أوكي مصرية بيا مصرية أوكي مجھے كل سبت دي آن لكن بہت ہی پیاری ہے مصرية أنا مصرية چلے مصرية पानी रोड पे खड़ा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं अरब में जुम्मे का दिन पानी से भरेंगे पानी अभी भी खड़ा हुआ है रोड पे और काफी खड़ा हुआ है अच्छी खासी साल में बारिश हुई है और सुबह काफी पहले की हो रही होगी कितना पानी खड़ा काफी बारिश हुई है काफी बारिश हुई है करीब और यहाँ हम उतरेंगे करीब करीब और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से हम हाँ टाइम नहीं अम्मी किसी वक्त भी जमात खड़ी हो जाएगी अब नहीं क्यों नवाज अभी मेरी मम्मा चले 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 प्रॉपर्ली चल नहीं पाती बेचारी तो इनका मसला है और शुक्र अल्लाह हमारा हम के अंदर दाखिल हो चुके शुक्र अम्मी आ जाओ और इस सामने देखिए खाने काबा माशाल्लाह जुम्मा मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह अंदर आ गए शुक्र अल्लाह लाख लाख शुक्र माने मामा पीछे रह गई थी मामा को मैंने देखा साथ ही ले लूं अब टेंशन नहीं है क्योंकि हम आराम के अंदर आ चुके हैं कहीं पढ़ लेंगे कहीं भी नमाज पढ़नी है मैंने कहा हम लोग ये ना हो कि हम अंदर ना जाकर हो पाए लेकिन शुक्र अल्लाह तेरे सामने अल्लाह का घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और ये रही मम्मा जुम्मा मुबारक एवरीवन सबको बहुत बहुत और मक्के में माशाल्लाह आज नमाज अदा करेंगे सब लोगों के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह
मम्मी आ जाओ आ जाओ ये हम पहुंच गए आई थिंक यहाँ से कोई रास्ता नहीं आ जाओ साथ खोलेंगे तो पता चलेगा नहीं जा सकते अभी यहाँ नमाज पढ़ेंगे इधर आए हम इधर आए ठीक है नमाज पढ़ेंगे आज आ जाओ मम्मा सुभान अल्लाह इधर क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी और किसी भी तरीके से बस मैनेज करने वाली कहानी है मैं इधर आगे जा रही हूँ और यहाँ से शुक्रान बिरला अंदर आ गए हरम के और लोगों से बचते बचाते आगे जाएंगे अच्छा जी देखो खाने काबे के सामने बैठी हुई माशाल्लाह नमाज वगैरह हो गया है अजान तो हो चुकी है सब लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग अजान या जुम्मे के नमाज अदा करेंगे और वो काफ़ी रश है सब लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं हरम के अंदर और ये प्रॉपर नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है बहुत सारे लोग भी मिले यहाँ पर जिनसे मुझे समझ तो उनकी कुछ भी नहीं आ रही थी लेकिन वो बोली जा रही थी और ये देखें इसमें है पता नहीं इन्होंने बहुत सारी दुआएं भी दी बहुत सारी बातें भी बताई पता नहीं क्या क्या बोलती रही लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया एक बड़ी प्यारी सी वीडियो जिसमें ये मुझे प्यार कर रही है वो भी लगाऊंगी और ये मिस्री है पीछे मिस्री है मुझे समझा रही थी लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कह रही थी तो खैर प्यारे लोग हैं अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं अल्लाह के घर में भी हर तरह का बंदा मौजूद है वो भी मौजूद है जो कहते हैं ना कभी गलत नहीं करते और अल्लाह की राह पे चलते हैं वो लोग भी मौजूद हैं जो बुरा करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं जी हम ठीक हैं तुम लोग तुम गलत हो तो बस अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें सबकी हाजिरी कबूल करें जुम्मे का दिन किसी ने बड़ी अजीब बात मुझसे कही कि जी आप मदीना में हैं और मक्का में और आप यहाँ आके झूठ बोल रही हैं तो अल्लाह के घर तो क्या मैं तो कभी पाकिस्तान में भी झूठ ना बोलूँ मेरी ज़िंदगी में मेरी डिक्शनरी में झूठ है ही नहीं लेकिन तो किस बात का है जिनको पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं जिनको पता होता है कि वो उन्होंने गलत किया जिनको पता होता है कि उन वो लोग ही रॉन्ग हैं लेकिन वो लोग अल्लाह से नहीं डरते तो ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जुम्मे का दिन है बड़ा प्यारा दिन है और हमारा यहाँ पे समझ लें ये लास्ट जुम्मा होगा क्योंकि इसके बाद हमने दो तीन दिन बाद कराची आ जाना है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लेकिन उन लोगों के लिए मैसेज है कि खुदारा आप लोग जब आपको पता है कि आप अपने आँख से जब इंसाफ नहीं कर सकते अपनी आँखों में आँखें डाल के बात नहीं कर सकते और आपको पता है कि आपने गलत किया है तो आप किसी और को गलत मत साबित करें और अल्लाह जानता है देखिए ना तो मैं कहता है ना कोई हाजन हूँ ना और कोई ऐसी वली हूँ कि मैं बोलूँ कि जी मेरी बात पत्र पे लिखी रहे लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो बहुत ही कोई ठोस सबूत के साथ है किसी अच्छी चीज़ के साथ ही बात कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह के घर पे मौजूद तो मदीना में मौजूद थी या हज़ूर पाक के रोज़े पर जब गई थी जब या आज अल्लाह के घर के सामने बैठी हूँ तो आँखों में आँखें डाल के कह रही हूँ कि मेरे पास एक एक चीज़ के सबूत है एक एक चीज़ मेरे पास है एक एक चीज़ एक एक पल की चीज़ें मेरे पास मौजूद है जिससे शायद अगर मैं पेश कर दूँ तो मेरा सच और मेरा झूठ सब सामने आ जाएगा लेकिन दुआ अल्लाह से ये करती हूँ अल्लाह उन लोगों को हदायत दे जो किसी की बेटी के लिए बात कर देते हैं और अल्लाह पाक उन सबको हदायत दे और जिस किसी की शादियाँ 10 हों 20 हों 4 हों 2 हों तो अपने रिश्तों को संभाल के रखें लोग यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए भूल जाते हैं कि उनकी भी बेटियाँ हैं माशाल्लाह 5 बेटियाँ किसी घर में 4 बेटियाँ किसी घर में 2 बेटियाँ 6 बेटियाँ सब घर में बेटियाँ मौजूद हैं तो ये याद रखें कि अगर आप किसी के लिए गलत करते हो गलत सोचते हो तो अल्लाह पाक कहते ना चलो तुम यहाँ पे कर लोगे अल्लाह दुनिया को बेवकूफ़ बना लोगे लोगों को बेवकूफ़ बना लोगे लेकिन आप अल्लाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो चीज़ें होनी है जो आपके फरिश्ते अमाल लिख रहे हैं आपकी चीज़ें लिख रहे हैं उनसे आप नहीं बोल सकते हमारी हर पल की हर सेकंड की चीज़ें जो नोट हो रही होती है ना
वो हमारा सबूत हमारा अमाल नामा अल्लाह के पास हाजिर हो रहा होता है। अल्लाह भी हंस रहा होता है कि बंदे बोल जितना झूठ बोल सकता है बोल, जितना गिबत कर सकता है कर, जितना किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है उछाल। तो कीचड़ उछालने में और किसी के साथ गलत अगर किसी आया है और उसका साथ उसका झूठ को सामने लाने में बहुत फ़र्क है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते हैं ना अल्लाह ताला से हम सबको माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह पाक हदायत दे। मैं स्पेशली नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने चीज़ें कहा ना अल्लाह पे छोड़ दी है, लेकिन जो भी प्यारे प्यारे से लोग हैं जिनको शायद वही अल्लाह रसूल वाले अल्लाह ताला उनको हदायत दे। और मैं स्पेशली चाहूँगी उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए अल्लाह पाक उनके लिए सी पी अच्छे करे, क्योंकि शायद उन लोगों को शर्म नहीं आती पर मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे शर्म आती है झूठ बोलते हुए, मुझे शर्म आती है किसी को अच्छी नहीं करते हुए, मुझे शर्म आती है थकते हुए, मुझे शर्म आती है मुझे मैं वो हमारा ख़ानदान या हमारा फैमिली है मेरा घर ऐसा है कि हम रिश्तों में बहुत मुखलिस हैं। और हमारी मुखलिसी का सबूत यह है कि हमारे साथ अगर जो लोग साथ हैं ना तो वो आपको गवाही देंगे कि हमारी ज़िंदगी में बुराई ना है ना बुरे हम लोग हैं। लेकिन हाँ कहते हैं ना कि जो गलत लोग होते हैं वो शायद अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने नमाजें पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, रात को उठ के इबादत कर ली और फिर बुराइयां कर ली और वो उनकी बख्शिश हो गई। तो ऐसे बख्शिश नहीं होगी और कोई बात नहीं। हमें तो आपने शोबिस वाले बना के बदकार आवारा हमारी शादियाँ और पति बच्चे क्या क्या बना दिया। तो मैं जिस घर में बैठी हूँ मेरा सबर आप लोगों को पड़ेगा अलहमद शुक्र अल्लाह का। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बुरे वक्त बुरी खड़ी बुरे इंसान से बच गई, क्योंकि जो शख्स अपने रिश्तों में अच्छा ना हो, जो शख्स झूठ बोलता हो, जो शख्स अपनी अपनी फैमिली के लिए मुखलिस ना हो, ठीक है, जो 5-5, 6-6 हज़ार के लिए 10-10 हज़ार के लिए रुलाता हो, जो किस्तों में चीज़ें उठवा के देता हो होने के बावजूद, जो अपनी माँ के लिए अपनी बीवी से फाइट ना कर सकता हो, उसको अपने घर ना बुला सकता हो, तो वो कहते हैं ना वो शख्स क्या होगा। और जब ये चीज़ें हुई थी तो मैं वही कहती हूँ ना तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहब्बत अंधी होती है तो मुझे आज पता चला कि वाकई मोहब्बत अंधी होती है, क्योंकि मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे लगा था कि शायद अल्लाह के बाद मेरा किबला काबा वो है। आज अल्लाह के सामने बोल रही हूँ मेरा किबला काबा वो है। लेकिन इंसान अगर मर्द अच्छा हो ना और नस्ली हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो उसकी पहली बीवी या दूसरी बीवी हो, इज्जत देने वाला मर्द होना चाहिए। देखो अल्लाह ताला ने कहा ना कि शादी करो, जना ना करो, गुनाह ना करो। और एक वक्त आएगा जब औरतें ज़्यादा होंगी और मर्द कम होंगे, तो हर मर्द को चाहिए कि वो उन औरतों की कफालत करें, उन औरतों को देखें जिनके घर में रिश्ते नहीं हैं या शादी करना चाहते हैं, ताकि वो बुराई से बचें। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर तो आप नाम के मुसलमान हैं, तो पहले मुसलमान बन के आएंगे और पहले चीज़ को समझिए। इस्लाम को प्रमोट खाली नमाज रोज़े दीन उससे नहीं करना, आपको तमाम चीज़ों के साथ प्रमोट करना है, ठीक है। तो खैर ये मैसेज आप लोगों के लिए था और अपने अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अजान होने वाली है, बस अजान हो गई है, नमाज होने वाली है। तो मैं बस अब ये कहूँगी कि सबके लिए दुआएं, आपके लिए भी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको भी हदायत दे। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने गलत नहीं किया और अब तक नहीं किया और मेरे अल्लाह ने मुझे दुनिया की हर नेमत दी है। और आप लोग कहाँ खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। जज़ाकअल्लाह। यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे लोग मिले, हम जुम्मे के लिए आए थे, माशाल्लाह हरम में मौजूद है। इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, ये देखें कितने खूबसूरत लोग हैं। इन्होंने तो मुझे पता नहीं कितनी सारी दुआएं भी दे दी, बड़ी जप्पियां पप्पियां भी डाल दी। माय नेम इज उज़्मा, योर नेम? انا من مصر. अमर, अच्छा जी, जो भी है सब मैंने बता लगजी। ओके, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा जो भी बोल रही है, लेकिन अच्छी है, समझ में चले जी, जो भी समझ में आ रहा है। عرفتي فهمتي شوية قمح 7 حبايات كده كده وتمراية قبل ما الدورة ساعة ما تيجي تطهري منها وتيجي تنامي معاها روح واخداهم روح واخداهم فهمتي؟ نعم فهمتي. طب فهمي هانتي بقى انا मुझे समझा रही, मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत देर से शादी का पूछा, दुआएं दिया और पता नहीं क्या पढ़ने के लिए। Thank you.
قمريه واحده वो लगी थी मुझे खैर उसी में चलती फिरती रही और अब ये पूरा पैर स्वेलिंग हो गया है, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी फिर इतने देर तक चलते फिरते रहे और हमने तमाम उम्रे भी किए, काम भी किए, ज्यारतें भी की, लेकिन बस अल्लाह ने हिम्मत दी, अदरवाइज तो पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया। देखो ये सारी स्वेलिंग है, लेकिन अल्लाह ने कहता ना माशाल्लाह माशाल्लाह हमें इस काबिल किया कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब यहाँ से जाएंगे, दुआएं बहुत सबके लिए, जिसने जो जो भी बोला सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमा, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलें हैं उसको निकाल, जो मुश्किलों के वजह बने हैं उनको हदायत दे, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को हदायत दे जो ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह एक बार ही ज़िंदगी देता है। तो अल्लाह पाक सबकी रोज़ी के वसीले बना, इमरान भाई स्पेशली भाई, कुकर भाई आपकी दुआ, सरद नान आपकी दुआ, अपने प्यारे भाई कामरान के लिए दुआ, उसके लिए तो उसकी बहुत दुआ, उसके लिए तो बहुत दुआ भाई, आपके लिए तो बहुत दुआ, क्योंकि हमारे लिए हमारी दुनिया आप ही हो, अल्लाह के बाद तो हमारा सब कुछ आपकी हो, आपके लिए बहुत सारी दुआ भाभी आपके लिए, तनवीर भाई के लिए, अल्लाह पास में दुनिया को दोस्त में जगह दे, और जितने लोगों ने मुझे दुआओं के लिए बोला, सब के लिए दुआ, आसिया के लिए, सना के लिए, आयशा की बेटी के लिए, दिशान के लिए, जो मेरे भाई हैं दिशान भाई, और जितने भी लोग हैं जिन्हें उन्होंने आड़ू के लिए, अली भाई के लिए, साइमा के लिए, आमना के लिए स्पेशली, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, उसको अच्छी सी जॉब दे। और फिर से आ गई है मेरे सामने प्यारी सी, क्या हुआ मुझे बारिश भी की, चले बाद में बात करती, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरी वजह से ये रोना शुरू हो गया, पता नहीं क्यों। अकेले शुरू करा इस साल अंत के कमियों नदिन नशारीन आज भी रो रही है, नदिन नशारीन। अच्छा मैं रो रही थी, चारी रोना शुरू हो गई, शाहरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये दुआ दे शुरू करा बाद बुक इंशाल्लाह। यार इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, किसी को रोता देखते हैं तो दुआएं देते हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, कोई तकलीफ में होता है तो उसको और तकलीफ देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बहुत होते हैं, सुभान अल्लाह। अरे अब मुझे नहीं पता ये क्यों रो रही है, पर मैं रो रही थी तो मुझे देख के आई थी रोना शुरू हो गया। बस تعملي زي ما بقول لك سواء على الله الوقت واحنا مشينا ناخذ لك شده रहता नहीं। ये लोग हैं कि किसी का दुख देखते हैं तो रोना पड़ जाता है लोगों को, और एक हमारे लोग हैं किसी का दुख देखते हैं ना तो और रुलाते हैं और सबब बनते हैं और तकलीफें देते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कहते हैं कि बस अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत देखी है जो लोगों के लिए दर्द फील करते हैं, जो किसी की तकलीफ देखते हैं। इस औरत बुज़ुर्ग औरत ने मेरा पैर दबाया, इस बुज़ुर्ग औरत ने मुझे दुआएँ दी और बहुत दुआएँ दी, अल्लाह के घर के सामने मुझे दुआएँ दी, तो बहुत सारी दुआएं के लिए भी अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती, सब चीज़ जिसने भी मुझे कहा अल्लाह पाक उनकी सबकी दुआएं कबूल करें, जिसने भी मुझे बोला है हमारे बार बार यहाँ पे हाजिर हो, बार बार इस दर पे हाजिर हो, आमीन। जज़ाकअल्लाह।
यार ये कितनी अच्छी है, अल्लाह तसरफ عشان ما تضحكش تاع عشان ما تضحكيش تصرف الله تورمش لو شو زيد بها بس 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 بقول لك لو شو زيد بس 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 يا شاطر मेरे पैर में सुना जब आ रहा यहाँ पे आज आखिरी दिन है और अज़ान हो गई थी, नमाज पढ़ ली थी, दुआ मांगी थी, लेकिन रत्न की जाने से पहले एक अजीब सा एक दिल में था कि रब के घर से जा रहे तब हम सबकी सबकी जान दुआ कबूल करें, जो भी दुआ मांगते हैं जो भी चीज़ें भाई को कबूल करें, मेरे भाई के लिए मांग स्पेशली अल्लाह तुम मोहम्मद अली से जल्दी भी टाइम पाए, डर लगे घर पर दुआ भाई ने की है अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानी करे और जो भी बस मेरे साथ जिनकी लोगों की वजह से आए अल्लाह पाक उनको हदायत दे और अल्लाह पाक ने सपोर्ट किया उन तमाम लोगों को जिन्होंने जो जो भी किया और अल्लाह जिन जिन लोगों ने भी दुआओं का बोला है सबकी हाजिरी कबूल कर सबको अपने का हमें बार बार बोला जाने का वक्त है आज हमारा यहाँ यहाँ से अपना सब जाना है अल्लाह पाक सब की मुश्किल आसान करें आमीन सुभान अल्लाह अल्लाह मैंने बोला कि इनको दर्द है चल नहीं सकती तो अम्मी से मिलने के लिए खुद चले गई है यार ये देखें ये देखें अम्मी इतना रोई है मुझे देखकर पता नहीं क्यों मैं रो रही थी तो मुझे देख के इतना रोई रो रही थी मैं फिर इतना रोई अभी मेरा पैर दबाया इन्होंने मेरा पैर दबाती रही इतनी देर इतने प्यारे लोग हैं ये देखें इतने प्यारे लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और हम लोगों ने माशाल्लाह जुम्मे की नमाज हरम शरीफ में अदा कर दी है और सुभान अल्लाह ये अम्मी बैठी हुई है और हाँ जी माशाल्लाह ये काबे के मनाजिर हैं जुम्मे का दिन माशाल्लाह और दोबारा से तवाफ शुरू हो चुका है और यहाँ रश ये प्यारा आलम और जुम्मे का जो टाइम होता है स्पेशल कहते हैं दुआओं से भरपूर होता है और आपका दिल चाहता है कि बस आप यहाँ से ना जाओ लेकिन हम यहाँ से इसलिए जा रहे हैं कि आज हमारे हमें ज़्यारतें करनी है ज़्यारतों के बाद बस फिर देखें क्या होता है खैर ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कभी भी नहीं भुला सकते तो अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक जो भी हुआ था जो भी चीज़ें उनको अच्छाई में पढ़ हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा हुक्मरान पैदा कर हमारे मुल्क के लोगों पर आसानी पैदा कर रोज़ी के फरहमी पैदा कर लोगों के घर से दंदस्ती भी दूर कर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए बोला या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा और बस यहाँ से अब इजाज़त चाहूँगी और मैं खड़ी रही है अल्लाह के घर के सामने ये मैं खड़ी थी रब के घर के सामने और सब लोगों की जो दुआएं थे अल्लाह कबूल करें उनके सदके बल्ला मेरी दुआएं कबूल करें बहुत सारी दुआएं आप लोगों के रब के घर के सामने खड़ो के अल्लाह पाक सबकी तमाम दुआएँ कबूल करें अल्लाह बार बार आपको इस दर पे बुलाए बार बार आपको इस दर पे बुलाए अपना मेहमान बनाए और जब जो भी कोई बात बिगड़े कह देना
रब सुनने वाला भी है और करने वाला भी, और अल्लाह ताला आपके लिए वो आसानियाँ पैदा करें कि जो आपने गुमान भी ना किया हो। अल्लाह कहता है ना, मैं तेरे गुमान से ज़्यादा तुझे नवाजता हूँ, तुम मुझ पर ईमान करने वाला तो बन, सोचने वाला तो बन, मुझसे मांगने वाला तो बन। तो अल्लाह ताला ने कभी मेरे रास्ते बंद नहीं किए, अल्लाह पाक हम सब के रास्ते बनाए। अल्लाह पाक मेरा नसीब, मेरे भाई का नसीब, कामरान का नसीब बहुत अच्छा करे। मैं मारे मेरे तरफ से अपने नसीबों की दुआ लेके जा रही हूँ, और बाकी जिन्होंने उन्होंने भी कहा उन सब के लिए दुआएँ। हम यहाँ से इंशाल्लाह जाएँगे, अम्मी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि आज हमने यहाँ से निकलना था और यहाँ से खूबसूरत बनाते मैंने आपको दिखा दिए। अम्मी के पास जाऊँगी, इसके बाद मैंने इंशाल्लाह जाना है ज़्यारतों के लिए। यहाँ से देखिए कितना प्यारा आलम है, लोग नीचे तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं, तमाम लोग नीचे तवाफ़ करने के लिए जा रहे हैं। इतना खूबसूरत मंज़र है, जुम्मे के बाद के मनाजिर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जुम्मे के बाद के मनाजिर है, कोई कुरान पाक पढ़ रहा है, और ये देखें कितना हसीन ये मनाजिर है। दुनिया की सबसे कहते हैं ना कि खूबसूरत वो मंजर है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जिसको ना एडिट करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर ना म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हाँ जिस घर के सामने हम खड़े हैं ना, उस घर के जो फील नाम ही सुन के आपके अंदर एक सरूर सा, एक सुकून सा आ जाता है। तो ये तमाम लोग वो हैं कि जिसमें कहते हैं ना कोई गुनाहगार होगा, कोई बदकार होगा, कोई अल्लाह का बहुत प्यारा होगा, लेकिन अल्लाह के प्यारे की वजह से इसका अंदाज़ा तो हम सबको बिल्कुल भी नहीं है। और उस पाक धरती पे चलने का, उस पाक धरती पे आने का एक अपना ही मज़ा है। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, और आखिरी जुम्मा हमारा, मेरा यहाँ पे आखिरी जुम्मा मक्का में, और माशाल्लाह नमाज की मदीना में, और आखिरी जुम्मा मक्का में, और यहाँ से अम्मी की तरफ जाते हुए, और यहाँ से तमाम जितने भी हाजी हैं वो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, सब एहराम बांधे हुए। कल हमने उम्रा सेकेंड किया था, और हमने माशाल्लाह दो उम्रे कर लिए अम्मी ने। और मैं यहाँ से आप सबसे दुआओं की अपील करूँगी, और मेरी अम्मी आई थिंक सो गई है, सो गई है। देखिए यहाँ कैसे मज़े की नींद आ जाती है, ये है कितने मज़े से सो रही हैं, है? इनको उठाते हैं, और ये देखेंगे मेरी अम्मी सो रही है। माएँ जो होती है ना अपनी बेटियों का कभी बुरा नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो शायद दूसरों की बेटियों का बुरा चाहती है, सब अपनी बेटियों का अच्छा चाहती है। तो ऐसी माएँ ना बने, ऐसी माएँ बने जो तमाम बेटियों के लिए अच्छा चाहे। खैर बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती होगी तो माजर दिल से दुआएं दी हैं। मुझे नहीं पता मेरा फील अच्छा है या बुरा है, पर मुझे ये पता है कि मेरी नीयत बहुत साफ थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह चले चले अम्मी चले सलाम सलाम अम्मी सलाम कर लें चल चले जी सलाम 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 चले उठाऊँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह याला है याला 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 अम्मी मेरी की तस्वीर बना देंगी, मेरी की तस्वीर वन सेकंड। यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, यहाँ से निकलो आज तक यही रास्ता बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये मनाजर चेक करें, माशाल्लाह सारे के सारे हाजी हैं जिन्होंने उम्रा करना है। सुभान अल्लाह इतने प्यारे मनाजर हैं ये। अम्मी अम्मी की आज बहुत तकलीफ है जी, अम्मी को हमें अब रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अम्मी को अब रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अम्मी नॉन स्टॉप मेरे जितना ही चला है। तो खैर हम लोगों को कहते हैं जिस दर पर आए लड़े हिम्मत दे दी करा दिया, लेकिन अब इनकी बस हो चुकी है, तो यहाँ चलना बहुत पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। सुभान अल्लाह। हाँ सब उम्रे वाले हैं, और ये देखें कितना हसीन लग रहे हैं, पर हर तरफ वाइट ही वाइट, हर तरफ वाइट ही वाइट, हम आओ सफ़ेद ही सफ़ेद है। आ जाए चल लीजिए अम्मी बाहर की तरफ जा रहे हैं, हमने बाहर की तरफ जाना है, और अम्मी बेचारी टावा 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 टावा। एक्चुअली अम्मी को वीडियो पर कैमरा से नहीं दे सकती, क्योंकि अम्मी प्रॉपर चल नहीं पा रही, तो बेचारी वीडियो क्या बनाएंगी, इसलिए ये सारे जो मनाजिर हैं ये मैं ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये छत देखे यार कितने हसीन है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको इसके कहते हैं जिस 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 मंजर पे भी आपकी नज़र जाएगी आप ये बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है अम्मी जहाँ जहाँ नज़र जाती है आप बोलते सुभान अल्लाह।
पानी पी लो जमजम। हाँ हाँ पानी पी लो। हम लोग जमजम की तरफ आ गए क्योंकि यहाँ से हम फिर निकल जाएंगे तो फिर हम ये जमजम 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 लो मम्मा मैं दूध ये जमजम पानी पी के भी हम लोग यहाँ से बाहर निकले। आ गई मम्मा यहाँ पे जमजम पीने के बाद और थोड़ा जो बचा था मुंह पे मलने के बाद मैं और मेरी मामा जा रहे हैं हरम से बाहर और यहाँ से अब हम लोग ज्यारतों पे जाएंगे। लेकिन हमारा आखिरी ये जो सलाम नमाज का पेश हमने कर दिया है जुम्मा हमने पढ़ लिया है और बाहर के हम तरफ हम जा रहे हैं। बहुत दिल दुखी भी है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को अब वैसे भी पाकिस्तान जाना है अगर अल्लाह ने चाहा तो। और ये थे वो मनाज़िर ये अम्मी खड़ी हैं मम्मी का तो दिल ही नहीं चाह रहा निकलने को बाहर। मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से निकलने को बाहर। मुश्किल है यहाँ से जाना बहुत मुश्किल काम है। इस दर से जाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन जाना पड़ेगा और इंशाल्लाह फिर आएंगे। हमने कहते हैं अल्लाह से बोला है कि हमें बार बार बुलाओ इस दर के बाद आ जाए हम लोग बढ़िया जा रहे हैं बाहर। बाहर निकाल लूंगी बस ये नंबर चल रहे हो बस अच्छा जी। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग और बिल्कुल जाने का दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है जाना है क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ इतना ही हमें मेहमान बनाया था। लेकिन अल्लाह से ये दुआ ज़रूर है कि अल्लाह हमें बार बार अपना मेहमान बुलाए और बार बार इस दर पे बुलाए टूटी फूटी अल्लाह ताला बार बार कितना बुलाए तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। तो अच्छा मैंने तो ज़्यादातर यहाँ पर खुद ही अपनी वीडियो और पिक्चर्स अम्मी से बनवाई हैं लेकिन अम्मी भी जा रही थी बीमार है तो जैसी भी थी लेकिन अच्छे बना दी उन्होंने करी रखी। कितना हसीन ये नज़ारा है। और हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं और हम लोगों ने अब जाना है ज़ियारतों पर क्योंकि हमने ज़ियारतें नहीं की अभी तक मक्का में। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने यहाँ उमरा अदा कर जुम्मे की नमाज़ पढ़ी तो उमरा हमने यहाँ किए और काफ़ी गर्मी है काफ़ी गर्मी है। ऐसे चहल पहल दिखाती हूँ ये देखें लोग ऐसे जुम्मा है और दोपहर भी है तो लोग नमाज वास पढ़ के तो होटल में जाने वाले थे करीब करीब के वो चले गए। बाकी कुछ देखिए मेरी अम्मी जा रही हैं और कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर ही बैठे हुए हैं कुछ उमरा कर रहे हैं। वो पॉइंट जो है वो उमरे वाला सही और सही वाला पॉइंट है वो बहुत बिजी पॉइंट होता है और शाम को यहाँ पर ऐसा रश हो जाता है कि आपको ये जो स्पेस है ना ये नज़र नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है तो लोग नमाज वमाज पढ़ने के बाद शाव में ही बैठ जाते हैं। मैं मामा खूबसूरत मनाजिर सबसे हसीन मनाजिर तो बस अब हो गई ना अब बस हो गई ना बहुत दिन हो गया इसलिए माशाल्लाह इतने विल पावर कर ली ये बहुत बड़ी बात है। इस यहाँ बहुत चलना पड़ता है भाई यहाँ चलने का ऐसा कोई वो इंतजाम नहीं है लेकिन यहाँ वाकई अल्लाह खुद हिम्मत कराता है बहुत चलना पड़ता है बहुत चलना पड़ता है। हमारा वो पांच तीन तो बहुत आगे है। अम्मी जा रही है और अम्मी का 9 महीने से ज़्यादा बड़ा हो चुका है पेट और अम्मी को हो रही है तकलीफ क्योंकि चल नहीं पा रही तो मैंने आपको पेट चेक कराऊँ। अब मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग बाहर की तरफ आ गए और आगे जो रश है ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रश है। ओए हो दोबारा से रश शुरू हो चुका है और
जुम्मत अल मुबारक, फिर सबको मुबारक हो। और माशाल्लाह हम लोग नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं इंशाल्लाह ज़ियारतें करने। और यहाँ के मनाजिर देखें, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये रहा क्लॉक टावर, इतना हसीन लगता है ये, और इतना प्यारा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है इसको देख कर। हाय हाय वाला देखो, कहाँ है मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ चली गई? अम्मी आओ आओ आओ, मेरी अम्मी से चला नहीं जा रहा। और मैंने कहा ना, बड़ी हिम्मत दिखाई है, यहाँ तक चली हैं, बहुत हिम्मत दिखाई है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। बस आप दो दिन अब आराम करें, अल्लाह अकबर, बाग बस जितने बीमार हैं उनको सेहत दें, यहाँ से लम्बी घर जाए ठीक हो जाए। बड़े बस में मसाले जनाब, खाओ तो अच्छी पता नहीं रिकॉर्ड में आता है कि नहीं आती। मेरे टॉप पर ये देखें, टॉप पर मेरे क्लॉक टावर है, और मैं मेरी आई थिंक पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, ये नहीं पता, तो मैंने रिकॉर्ड में डाल दिए क्योंकि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, धूप है और मैंने ग्लासेस भी लगाए। मैं बस ये पता है कि ये क्लॉक टावर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर था। उफ बहुत गर्मी है, गर्मी से ये मनाजिर हैं। और हम लोग यहाँ से भाग तक जा रहे हैं, और सामने देखें कितने कबूतर बैठे हैं। हाँ अल्लाह, ये अम्मी बेचारी मेरी, और ऑलमोस्ट हम काफ़ी हद तक बाहर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, कबूतर चौक तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ही देखें प्यारे कबूतर है। वाह, कितने हंसे ही कबूतर है, और चारों तरफ आपको ही नज़र आ रहे होंगे। वाह, बहुत मज़े के लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हम यहाँ गए, ये रहे, वहाँ पे भी ये सिस्टम देख के बड़ा दिल ख़राब होता है, और इस तरह से ऐसे लोग बैठे होते हैं। और यहाँ मैंने अहराम में भी लोगों को क्या बोलूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, बस सबकी मुश्किलें आसान करते हैं, सबकी मुश्किलें आसान करते हैं, जिसकी जो जो भी मुश्किल है सबकी आसान करते हैं। और यहाँ ना मुझको भी हमेशा देने वाला बना, लेने वाला नहीं, तो बस इतना ऐसे खजानों से रहते कि बस हम बांटते जाएँ, हमारे पास लेने का ऑप्शन ना हो, सिर्फ देने का ऑप्शन। आमीन। नाज़िर चेक करें, यहाँ कबूतर ही कबूतर है सामने, और ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग थी क्लॉक टावर, वो देखें। और ये मनाजिर, यहाँ से ज़रा हम लोग जाएंगे अपने होटल तक। वो रही गाड़ी हमारी खड़ी हुई, वो हमारे होटल की गाड़ी खड़ी हुई है, और हम लोगों ने उसमें बैठ के अपने होटल 4 पॉइंट तक जाना है। ये रहा हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वो मम्मा जा रही है, और ये रहा क्लॉक टावर। और मैं यहाँ से बस आखिरी बार सलाम पेश करने लगी हूँ, अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल फरमा, हमारी हर मुश्किल आसान फरमा, जो जो भी दिल में दुआ है उसको। जा रही हूँ, ये रहा क्लॉक टावर, और ये थी मैं। बहुत शदीद गर्मी जुम्मे के बाद, और हम लोगों ने अब जाना है ज़ियारतों पे। हाय 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 हाय, जरा सुभान अल्लाह, वो गलियाँ कहते ना, ये चीज़ें हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, और हम बार बार आने की दुआ करते हैं। मेरे पैर में इस वक्त शदीद स्वेलिंग हो गई, क्योंकि मुझे यहाँ चोट लगी थी, तो उसे मैं चल रही थी, और पैर का आज तो दी एंड रास्ते भी हुआ हुआ था, लेकिन मैंने कहा चले कराची जाके, पाकिस्तान जाके अब आराम होगा। और ये जानी है, ये सारे होटल्स हैं,
और वो सामने बस खड़ी हुई है। ये होटल्स की तरफ से चलती है, 5-star होटल है सारे जहाँ हम रुके हुए, और वहाँ से ये सहूलत दी गई है जो यहाँ तक गाड़ी आती है और यहीं से फिर होटल तक लेके जाती है। बहुत शदीद वाली गर्मी, जुमतुल मुबारक, और हम जा रहे हैं अब यहाँ से होटल, और होटल के बाद इंशाल्लाह ज़्यारतें करेंगे। और ये था हमारा एक जुम्मे का खूबसूरत सा दिन, दिन तो है अभी रात रहती है। घरों का एक गाड़ी और मम्मा चढ़ गई है, डबल सवारी। चलो जी, शदीद वाली गर्मी, शदीद वाली गर्मी, तो हम बैठ गए और रुक जाएंगे अब होटल।